नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता इनके हाथों में। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पिंकिश कलर का हाथ है। पिंकिश कलर का हाथ होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लकी होता है धन के मामले में। जीवन में कभी धन की कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस नहीं होती और अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप के मामले में भी पिंकिश हाथ बहुत ही लकी होता है। उसके बाद में हम देखेंगे, देखिए शिप स्क्वेयर शेप का हाथ है। जैसे ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर जीवन में सारी उपलब्धियाँ, सारी जो महत्वाकांक्षा ये पूरी करने में समर्थ बन जाते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते ऐसे व्यक्ति, हार्ड वर्किंग नेचर ऐसे व्यक्ति का होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में ना उंगलियों के बारे में हम जानते हैं। देखिए उंगलियां, ये देख तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली लगभग एक समान ही है। थोड़ी सी तर्जनी उंगली ऊपर बन रही है, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर है ऐसे व्यक्ति के होते हैं। गुस्से ऐसे व्यक्ति नेचर हो, अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए होती इनको, और अगर फूड के मामले में तो बहुत ज़्यादा चूज़ी ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जो तर्जनी और अनामिका उंगली एक जैसी नज़र आ रही है, उस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि उनके ज़्यादा दोस्त नहीं रहते, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहते हैं। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल के साथ ही अपनी पूरी जीवन की प्रॉब्लम्स, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं। मैं भला, मेरा काम भला, मेरी फैमिली भली, इस तरह से ऐसे व्यक्ति होते हैं। ज़्यादातर देखा गया कि फैमिली मैन ऐसे व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद देखिए उंगलियों पर आड़ी रेखाएँ मौजूद है, खड़ी रेखाएं भी मौजूद है। खड़ी रेखाएं मतलब मित्र रेखाएं जिसे हम कहते हैं, आड़ी रेखाएं मतलब शत्रु रेखाएं। जिन व्यक्तियों के हाथों में ज़्यादा आड़ी रेखाएं बनती है, ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि उनके ज़्यादा झगड़े होते हैं, कुछ कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फिजिकल नहीं हो सकते लेकिन फिर भी मतलब वैचारिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम आता है। और ज़्यादातर देखा है कि वर्किंग जहाँ पर एनवायरमेंट है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, उनके फेवर में नहीं काम करता, मतलब उनकी ट्यूनिंग मैच नहीं कर सकती, इस तरह से हमने देखा गया है। तो उसके साथ ही अगर तर्जनी उंगली पे जो इस जगह पे बनने वाला ये जो आड़ी रेखा है, उस वजह से पेट संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आपका नाम खराब होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे अपने प्रोफेशनल रिलेशन जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे लोग आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे, ऐसे इनके योग बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए छोटी उंगली के यहाँ पे खड़ी रेखाएं दो मौजूद हैं। तो इसके ऊपर मैंने रील्स भी बनाई, आकर भूत रेखा पे इंडिपेंडेंट एक या दो खड़ी रेखाएं बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति अचानक धन लाभ का योग इनके हाथों में होता है। तो ये एक बहुत ही शुभ निशान इनके हाथों में बन रहा है। देखिए भूत पर्वत भी अच्छा है, इनके हाथों में बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो छोटी उंगली उतनी लंबी इनके हाथों में बनती नहीं नज़र आ रही। छोटी उंगली की लेंथ देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ तक नहीं जा रही, जिस कारण क्या होते हैं बिजनेस माइंड, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस में सफलता, ये सारी चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ी चातुर्य व्यक्ति का, जैसे जिस तरह से लोग हैं उस तरह से बिहेव करना इस व्यक्ति को कभी कभी फिर नहीं आता, इस तरह से इनके हाथों से वो चीज़ें बनती नज़र आ रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए गुरु पर्वत के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तर्जनी उंगली के नीचे वाला इस हम पर्वत को हम गुरु पर्वत कहते हैं, और गुरु पर्वत की जो उंगली है तर्जनी उंगली वो थोड़ी सी मध्यम उंगली की तरफ झुक रही है, ज़्यादा नहीं है। तो कभी कभी देखिए तर्जनी उंगली जितनी अंदर झुकती है व्यक्ति को उतना ज़्यादा उसकी मेहनत का सफलता नहीं मिलती, मेहनत से सफलता ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती। थोड़ा इंट्रोवर्ट भी नेचर ऐसे व्यक्ति का दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, भगवान पे ऐसे व्यक्ति का यकीन रहेगा, ज़्यादा रिचुअलिस्टिक नहीं रहेंगे लेकिन भगवान के ऊपर यकीन ऐसे व्यक्ति का रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोग्रेस लाइन है, देखिए यहाँ से इस तरह से पैतृक संपत्ति के मालिक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छी पैतृक संपत्ति इनको मिल रही है। वहाँ पे कुछ मिलने में झगड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं, थोड़े गुस्सा वाला नेचर ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े स्टबोर्न नेचर के होते हैं,
उसके बाद हम देखते हैं शनि पर्वत। देखिए शनि पर्वत व्यक्ति के कार्य लक उसके साथ धन इसके बारे में हम उसका कारक कहता है। मीडियम थिकनेस का है, मतलब थोड़ा पतला ही, मतलब दबा हुआ ही शनि पर्वत है, बहुत बढ़िया शनि पर्वत नहीं है। लेकिन शनि के ऊपर जो बन रही रेखा, ये शनि रेखा एक आ रही है चंद्र पर्वत से, दूसरी आ रही है केतु पर्वत से, तो अपने इनके हाथों से पता चल रहा है कि अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपने नौकरी से ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं और जीवन में लकी हो सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हाथों में दिख रहा है। लगभग 37 तक यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी भाग्य रेखा आ रही है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे रुक रही है, दूसरी यहाँ से निकल रही है 37-38 के बाद, ये जो दूसरी भाग्य रेखा उनको फल देगी। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर का, लगभग स्क्वायर जैसा चतुर्भुज का निशान बना रही है एक दूसरी, इस तरह से एक भाग्य रेखा निकल रही है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को लेडी लक मिलता है, शादी से लक होके व्यक्ति भाग्योदय उनका हो जाता है और नई नई ऊंचाई हासिल करते हैं, ऐसे इनके हाथों में निशान बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर का निशान बन रहा है, तो बुद्धि चातुर के दम पे व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल कर सकता है, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और ये स्क्वायर का निशान, तो ये लगभग व्यक्ति के 40s में व्यक्ति का भाग्योदय होगा और बहुत ज़्यादा तरक्की उस दौरान करेंगे धन के मामले में और रियल इस्टेट या फिर जो भी लग्जरियस चीज़ें इनका हासिल करना चाहते हैं, घर अगर ये बनाने की सोच रहे तो वो 40s में ही अफोर्ड कर पाएंगे, उसी दौरान उनके जीवन में योग अच्छे आएंगे, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनके हाथों में मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा शुरुआती के में एक साथ जुड़ रही, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहेगा ऐसे व्यक्ति के। देखिए रूढ़ी परंपरा हमारी जो भी रीति रिवाज है इनको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में उनका अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी इनके दिल में हम उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, उनके लिए हमेशा उनके प्रति सम्मान की भावना रहेगी, उनके लिए अच्छा कुछ करने का इनके मन में विचार रहेगा, लेकिन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन रहेंगे। चंद्र पर्वत की तरफ जाने वाली उनकी मस्तिष्क रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में रहती है, कोई ना कोई हॉबी अच्छी तरह से ये उनमें आत्मसात उनके अंदर होती है और हमेशा लगता रहता है कि कुछ म्यूज़िक सीखूँ या कुछ अलग अलग प्रयास करो। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप थिंकर ये व्यक्ति नहीं होती, होशियारी रहती है, बुद्धिमत्ता रहती है, लेकिन डीप थिंकर नहीं रहते, चीज़ों को ज़्यादा सिंपल रखना ही इनको पसंद है, वरना ज़्यादा मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं इनके जीवन में। तो ये ट्राई करते हैं कि कम से कम लो, क्योंकि वरना मानसिक चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनके जीवन में ये हाथ से पता चल रहा है कि ज़्यादा सोचना कम कुर्ती इस तरह से इनका नेचर है। जीवन रेखा से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इस दौरान थोड़े जीवन रेखा में गैप बनता नजर आ रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यह दर्शाता है कि पर्सनल प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। बाकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पे बुरे इतने चिन्ह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ने थोड़ा हेल्थ का ध्यान इसी दौरान देखने की ज़रूरत है। जब इन्होंने विशेष रूप से अपने सारी टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, मेडिकल टेस्ट, अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हार्ट रिलेटेड मैटर के सारी चीज़ें इन्होंने करानी चाहिए, जो हाइपरटेंशन ऐसे व्यक्तियों को ना हो इस वजह से। उसके बाद में देखते हैं कि जीवन थोड़ा बुढ़ापे में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। प्रथम संतान लड़के का, सेकंड संतान लड़की का योग इनके हाथ में बनता नजर आ रहा है। बुढ़ापे में लड़कों संतान की तरफ से इनका थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, घर में प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है, ऐसे इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखिए तो यहाँ पे देखिए आँखों दांतों संबंधी प्रॉब्लम और हृदय संबंधी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है शनि पर्वत के नीचे, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े मनी माइंडेड ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और थोड़े इमोशनल नेचर भी हो सकता है, और इमोशनल नेचर की वजह से लोग इनका एडवांटेज भी ले सकते हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह इस तरह से बन रहा है। बहुत बढ़िया क्रॉस नहीं, लेकिन मिस्टिक क्रॉस कुछ प्रमाण से बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का सिक्स सेंस डेवलप होता है, कुछ चीज़ें इनके होने की अंदेशा ऐसे व्यक्ति को पहले से भी हो जाता है, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में सूर्य पर्वत, इस पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, और सूर्य पर्वत तो यहाँ पे एजुकेशन लाइन, अच्छी एजुकेशन दिखा रही है। यहाँ पे देखिए पैरेलल सूर्य रेखा इनके हाथों में बनती नजर आ रही है, तो उस कारण व्यक्ति जीवन में मान प्रतिष्ठा सम्मान, व्यक्ति को समाज में रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिल जाएगी, व्यक्ति अच्छा उन्नति पाएगा। तो एक सूर्य रेखा ही जीवन में पूरी होती है, लेकिन अगर दो दो सूर्य रेखा इस तरह से बने तो व्यक्ति जीवन में अच्छा नाम कमा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत देखिए पीछे की तरफ झुकाव इनकी अंगूठे का है, ऐसे व्यक्ति इजीली दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बुद्धिमत्ता उनके अंदर अच्छी है, खर्चे फिजूल हो जाते हैं। और उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि एडजस्टिव नेचर इनका बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा एडजस्ट किसी भी परिस्थिति में इनको डाल दो वहाँ पे एडजस्ट करके रहेंगे। यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति को राहु पर्वत से पता चल रहा है कि थोड़ा दबा हुआ राहु पर्वत, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से प्रॉफिट होगा शेयर मार्केट में, अचानक लॉस होगा इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने ज़्यादातर सोचना चाहिए, अगर ये परसेंटेज 100% किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे शेयर मार्केट में, तो लगभग 70% ऐसे व्यक्ति ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी चाहिए, 30% शॉर्ट टर्म। तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से भी अच्छा धन कमा सकते हैं, वहाँ से भी ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होने का योग इनके हाथ से बनता नजर आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।